तो गाइस बड़ी खबर है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी खबर है। लेट से सही, लेकिन कई स्कूलों ने ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने का फैसला लिया है, और ये अपडेट निकल कर के आया है तब जब उनके गले में एक फंदा पड़ गया, और वो फंदा है COVID-19 का। गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे, मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, और लगातार मैं अगर याद करूं तो पिछला एक महीना से भी काफ़ी ज़्यादा समय हम लोगों का, बहुत बड़ा समय दिन भर का निकलता था मेल्स करने में और प्रिंसिपल से, स्कूल से बात करने में। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें निकल करके आई हैं। दिल्ली के काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं, जो पहले ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स ले रहे थे, गार्जियंस के प्रोटेस्ट के बाद में, हमारी बातों के बाद में, कोविड केसेस बढ़ने के बाद में, अब वो उन्होंने उन सभी स्कूलों ने फैसला लिया है कि नाउ दे विल कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा अपडेट मेरे पास में हमारे काफी स्टूडेंट्स ने भेजा है अहमदाबाद से। वहां पर भी जो मैनी जो बहुत सारे जो शहर के जो स्कूल्स थे, वहां पर उन लोगों ने पहले फैसला लिया था कि वो ऑफलाइन एग्जाम्स लेंगे, ठीक है, और अब उन्होंने फैसला लिया है कि अब जो वो एग्जाम्स लेंगे वो ऑनलाइन मोड में। हालांकि कुछ स्कूलों ने इसमें थोड़ा सा फेरबदल भी किया है कि उन लोगों ने क्या किया कि उनका कहना था कि भाई पहले जब हमने कुछ जो नॉर्मल जो टेस्ट हम लेते थे, ऑनलाइन टेस्ट हमने लिया, तो काफ़ी अनफेयर मीन्स का यूज़ होता था, चीटिंग वगैरह का यूज़ होता था कुछ बच्चों के द्वारा। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि ओरल टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, अभी हालांकि इस चीज को मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, ठीक है, कि ओरल टेस्ट वाला बात अभी तक और जगहों से निकल करके नहीं आया था, लेकिन यहां से निकल करके आया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओरल टेस्ट हो ऑनलाइन टेस्ट हो, अगर ओरल टेस्ट ऑनलाइन वे में कंडक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुद टीचर्स भी किसी स्टूडेंट्स को रोकेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले क्या हुआ था, स्टूडेंट्स पेरेंट्स जो थे वो चाह रहे थे कि भाई 11-12 महीना से जो है वो बच्चे घर पे थे, तो चलो भाई एग्जाम्स है, बच्चे प्रमोट भी होंगे, स्कूल्स का वैसा प्रेशर भी था, तो उन लोगों ने कंसेंट लेटर जो है वो एक तरह से परमिशन दे दिया था कि ठीक है भाई आप ऑफलाइन एग्जाम्स लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं 50% से ज्यादा गार्जियंस का, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वहां पे कंसेंट लेटर दे दिया गया था कि चलो भाई हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। लेकिन जैसे जैसे केसेस आए और हमने जो लगातार मांग उठाया, हमने आपके सामने में खबर रखा दाशिम का, हमने रखा देन हमने आपको खबर दिया करनाल का, हमने आपको खबर दिया काफी दूसरे कई जगहों का, तो वहां का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा और गार्जियंस जो है वो अलर्ट हुए कि भाई रिस्क लेकर के ही हम क्यों चीज समझें। तो अभी जो खबर निकल करके आ रहा है कि कंसेंट लेटर को कई सारे गार्जियंस ने वापस ले लिया है, और ये खुद कहना है स्कूल्स का, जहां पर पहले 50% गार्जियंस तैयार थे बच्चों को भेजने के लिए स्कूलों में, अब ये परसेंटेज घट के पहले हुआ 30%, और उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट अपडेट अभी इस वक्त मेरे सामने में है वो है 20%। मतलब 30% पेरेंट्स ने साफ साफ डिनाई कर दिया कि भाई हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो यही बात मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर पेरेंट्स साथ होंगे, हमारे आपके साथ भी, हमारे साथ भी और आपके साथ भी, और साथ में वो यूनाइट रहेंगे, तो नेचुरल है पॉजिटिव चीजें निकल करके आएंगी और चीजें रहेंगी। लेकिन मुझे एक चीज का बहुत तकलीफ है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस अभी भी कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ जो है वो ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहा है स्कूलों में जा करके। मुझे पर्सनली बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, हम हर संभव कोशिश कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि शायद यूट्यूब में हम पहले हैं जिन्होंने सिर्फ CBSE को टारगेट नहीं किया था, हमने सभी बोर्ड्स को, स्टेट बोर्ड्स को भी टारगेट किया, और हम जितने बड़े लेवल पे जा सकते थे हमने जाने का कोशिश किया। तो बहुत सारे जगहों पर सक्सेस मिला, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां हमें सक्सेस नहीं भी मिल पाया। तो मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई भी जो क्लासेस है, टीचर्स हैं, वो फेल नहीं किया जाएगा, आप एकदम इस बात के लिए आप एश्योर रहो, ठीक है, एकदम एश्योर रहो। क्योंकि अगर वो आपको नेगेटिव मार्क्स कुछ भी देते हैं, फेल करते हैं, तो फंसना उन्हें ही है, ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। सरकार का दिशा निर्देश जारी हो चुका है, जब 10th और 12th में फेल का वर्ड हटा दिया गया, तो फिर अब आप समझ जाओ कि आप लोगों के साथ में 9th 11th के साथ में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप लोग बस जाओ, अच्छे से बैठो, अटेम्प्ट करो, हाँ स्कूल्स में प्लीज खुद से सेल्फ प्रिकॉशन लेना, सोशल डिस्टेंसिंग का वैल्यू करना, ठीक है। तो लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी हम
हमारी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है, हम लगातार लगे रहेंगे आप सभी के लिए। और साथ ही साथ में हम आपको काफी सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10, 12 जो भी है आपका, 9th जो भी, आप उसके अकॉर्डिंग जाइए और वहां से अपना नोट्स को फेच कीजिए, ले लीजिए और डाउनलोड भी कर सकते हैं क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में है, कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।